सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज सभी चैनल सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां हम बात करने वाले गूगल माय बिजनेस के बारे में। काफी लोग कहते हैं कि गूगल माय बिजनेस पे हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लाइव नहीं हो रहे, और दोस्तों यहां पे गूगल माय बिजनेस में कॉन्टैक्ट नंबर लाइव नहीं होने की वजह से आपका कॉल नहीं आ रहे होंगे, आपके पास में किसी भी तरह की क्वेरीज नहीं आ रही होगी और यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होगी। कॉल का ऑप्शन नहीं आने की वजह से जो गूगल के अंदर कितने भी व्यूज आ जाए, कितना भी आप गूगल पे एड चला लें, चाहे कुछ भी करें, आपके पास में कितना भी गूगल पे एसईओ कर लें पर रैंकिंग इतनी भी अच्छी हो, बट काम बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं उनको ये चाहिए होता है कि जब वो प्रोफाइल सर्च करते हैं तो उन्हें नंबर दिखते हैं तो वो कॉल करते हैं, वरना कॉल नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप काफी ज्यादा परेशान होते हैं सर, आपका पूरा बिजनेस खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर है वो या तो अंडर दी हुई चला जाता है या फिर नंबर के ऊपर एक क्रॉस की लाइन खिंच जाती है। ऐसे केसेस में आप काफी लोग तो प्रोफाइल को डिलीट कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि अगर आपके गूगल माय बिजनेस के अंदर प्रोफाइल में नंबर नहीं आ रहे तो काफी लोग प्रोफाइल को डिलीट कर देते हैं, ऐसा ना करिए। आपकी प्रोफाइल चाहे आप नहीं बनाएंगे, चाहे पुरानी बनाए, चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, उसमें आपके किसी भी प्रोफाइल में नंबर नहीं आने वाला। यानी बेसिक सी बात है कि जब आप नई प्रोफाइल बना रहे हैं तो इंडिया में किसी का भी नंबर लाइव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका एक रीजन है कि गूगल की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई है। अगर आप अपना नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो बेसिक सी बात है कि गूगल पे जब अपनी प्रोफाइल आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते समय क्या होता है कि आप अपना नाम, नंबर, एड्रेस डाल के प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद ओटीपी आता है या मान लीजिए आपके फोन के ऊपर ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद में गूगल पे आपकी प्रोफाइल लाइव हो जाती है। लाइव होने के बाद में नंबर है वो अंडर रिव्यू चला जाता है, या आपकी काफी पुरानी प्रोफाइल्स है उसमें भी नंबर अंडर रिव्यू चला जाता है या हट जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आपका कोई भी ऐसा प्रोफाइल जो कि आपने जस्ट रिसेंटली बनाया है बाय ओटीपी, उसमें भी आपका नंबर नहीं आ पाता है। इसका मेन रीजन होता है कि गूगल का जो एल्गोरिथम है, जो आपकी पॉलिसीज है वो गूगल की चेंज हो चुकी है। गूगल ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट जो लिखा है उस नंबर के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होता है कि जो आपका नंबर है वो गूगल सर्च करता है आपके सर्च इंजन के ऊपर कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो बिजनेस चला रहा है इसका नंबर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, क्या जस्ट डायल पे है क्या, क्या फेसबुक पे है, क्या ट्विटर पे है, क्या मल्टीपल साइट पे अवेलेबल है क्या। ऐसे केसेस में अगर आपका नंबर गूगल को वहां नहीं मिल पाता तो आपका नंबर अपडेट नहीं होता। तो काफी लोग मुझे बोलते हैं सर हमने तो सब जगह बना के देख भी लिया फिर भी हमारा नंबर नहीं आया, और काफी लोग बोलते हैं सर सालों से प्रोफाइल बनी हुई है मेरी बट मेरे सब जगह नंबर अवेलेबल है तो भी क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको बता देता हूं भाई, यहां पे एक टेक्निकल फॉल्ट है जो पिछले 3 साल से आ रहा है कि जो नंबर है वो गूगल स्कैन नहीं कर पा रहा। अब गूगल का सिस्टम उस नंबर को स्कैन नहीं कर पाने की वजह से आपका जो नंबर है वो लाइव नहीं हो पा रहा। तो अब सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्यूशन दो तरह का है कि हम जो नंबर अपडेट करवाते हैं वो बाय सॉफ्टवेयर करवाते हैं, क्योंकि गूगल का सिस्टम नंबर अपडेट नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे गूगल आपके नंबर को स्कैन नहीं कर पा रहा। अब स्कैन नहीं कर पाने की वजह से जब 4 से 5 दिन आपका नंबर अंडर रिव्यू रहता है, या किसी किसी का तो 10 दिन भी रहता है, 15 दिन भी रहता है, उसके बाद में वहां से हट जाता है, ऑरेंज कलर की लाइन खिंच जाती है, इसका मतलब अब आपका नंबर नहीं आने वाला क्योंकि वो बिल्कुल जो नंबर है वो अंडर रिव्यू हो चुका है, अंडर रिव्यू से हट चुका है, हटने के बाद में लाइन खिंच चुकी है। अब ना तो वो नंबर ऑटोमेटिकली एंटर होने वाला है ना ही आपका नंबर वहां पे आने वाला है। तो आप बार बार एंटर करेंगे, बार बार एंटर करेंगे तो प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी, दूसरा नंबर चेंज करेंगे तो प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। ऐसे केसेस में काफी लोगों की नहीं होती, काफी लोगों की प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है बट फिर भी नंबर नहीं आता। तो एक ही सॉल्यूशन है कि इसमें जो प्रोसेस वर्क करेगा वो दो प्रोसेस वर्क करेंगे। अगर आपको अपना नंबर अपडेट करना है तो पहली बार आपका डेटा मल्टीपल साइटों पर बनाइए बट काफी पुराना होना चाहिए, और ऐसे केसेस में आपके पास टाइम नहीं है कि आप उतना वेट करें, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल साल भर वेट करें, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं कि वो 6 महीने साल भर के बाद भी आपका नंबर रिफ्लेक्ट करे। तो ऐसे केसेस में आपको मैन्युअली गूगल में नंबर अपडेट करवाने पड़ेंगे। अब मैन्युअली अपडेट करवाने के लिए दो तरीके हैं, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जैसे जीएसटी, आपके पास में दुकान, ये सब चीजें हैं तो फिर गूगल के थ्रू आपके नंबर अपडेट होते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम गूगल के थ्रू नंबर अपडेट करवा सकते हैं, गूगल से कॉन्टेक्ट करके आप हमारे डीओ नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर उसके बाद में नंबर अपडेट कैसे होगा, क्योंकि 60% लोगों के पास में ना तो जीएसटी होता है ना प्रॉपर दुकान होती है, जैसे कि काफी सारे फील्ड के लोग होते हैं जिनके पास में ना तो दुकान होती है या फिर एड्रेस भी मैच नहीं कर रहा उनका शॉप का। तो ऐसे केसेस में हम जो दूसरा तरीका यूज में लेते हैं वो बाय सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं कि जब गूगल नंबर सर्च नहीं कर पाता तो हम बाय सॉफ्टवेयर, बाय स्कैनिंग के थ्रू, एसईओ टूल्स के थ्रू नंबर को स्कैन करवा के आपका अपडेट करवाते हैं। तो अगर आप नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से नंबर अपडेट हो जाएगा। बट ये ध्यान रखिए कि प्रोफाइल को डिलीट मत मारिए, नंबर को बार बार चेंज मत करिए, ऐसे आपका ही टाइम वेस्ट होगा क्योंकि बार बार प्रोफाइल बनाते समय 12 दिन का टाइम लगता है, फिर वापस पोस्ट कार्ड आता है। तो आप डीएन पे कांटेक्ट कर लीजिए एंड अपने प्रोफाइल का डेटा बिल्कुल भी डिलीट मत मारिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।